बड़वानी जिले के बांसीबल के स्थानीयों के लाश आश्रम शिव टेकरी पर फिल्टर प्लांट लगाया जा रहा है। इसके लिए सैकड़ों झाड़ियों एवं पौधों को नष्ट किया गया है। इसी के विरोध में मंगलवार को नगरवासियों व अन्य संगठनों ने ज्ञापन देने स्थान परिवर्तन की मांग की है। दरअसल स्थानीय कैलाश आश्रम शिव टेकड़ी पर फिल्टर प्लांट हेतु अधिकृत कंपनी द्वारा सैकड़ों झाड़ियां एवं पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया गया है, जिसकी जानकारी महेश गोले वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद एवं अन्य नगरवासियों को प्राप्त होने के बाद नाराजगी जाहिर की है। वही मंगलवार को नगरवासी लोक जनकल्याण समिति और विश्व हिंदू परिषद द्वारा विरोध जताकर कलेक्टर के नाम SDM कार्यालय में ज्ञापन दिया है। इस दौरान उन्होंने उक्त स्थान पर फिल्टर प्लांट का कोई भी कार्य नहीं किया जाकर दूसरे स्थान पर करने की मांग की है। रविंद्र मराठे, आज किस संबंध में ज्ञापन दिया? गत दिनों यहाँ सुप्रसिद्ध शिव टेकड़ी आश्रम है, कैलाश आश्रम बहुत बड़ी टेकड़ी है, आस्था का केंद्र है नगरवासियों का। फिल्टर प्लांट के लिए कंपनी द्वारा 500 से अधिक पौधों की पेड़ की कटाई की गई है, जो एक तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का कार्य है। और साथ ही कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी थी और प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ लगाने के लिए कार्य कर रहा था, लेकिन प्रशासन का इस प्रकार का कार्य समझ में नहीं आता। हम उस कार्य को रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और लोक जनकल्याण समिति द्वारा हम यहाँ पर SDM के नाम ज्ञापन देने पहुँचे हैं और कलेक्टर से हम मांग करते हैं कि वह स्थान बदलकर दूसरे उपयुक्त स्थान पर उनको कार्य करने के लिए दिया जाए और जिन्होंने यह कार्य किया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है? मेरा नाम महेश पन्नालाल गोले है। और आज किस संबंध में ज्ञापन दिया है? यहाँ नगर के समीप कैलाश आश्रम शिव टेकड़ी पर विगत कल परसों के अंदर JCP के माध्यम से करीबन सैकड़ों की संख्या में पेड़ पौधों को उखाड़ के फेंक दिया गया है। उस संबंध में हम लोग सब सारे नगरवासी आके यहाँ तहसीलदार साहब को और अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया कलेक्टर के नाम। हमने कार्रवाई की मांग की है कि जो भी दोषी है उसमें उसके ऊपर दंडनीय कार्रवाई की जाए। ज्ञापन के दौरान शिव टेकड़ी आश्रम से जुड़े नगर वासियों एवं लोक जनकल्याण समिति और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान तहसीलदार राकेश सस्तिया ने बताया कि विभिन्न संगठनों द्वारा ज्ञापन दिया है, जो कलेक्टर के निर्देश अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शिव टेकड़ी पे जो झाड़ कटे थे उस संबंध में लोगों ने ज्ञापन दिया था, क्या था पूरा मामला बताएं। नगर परिषद को इंटेक्वेल बनाने के लिए भूमि बंटन किया गया है, जहाँ पर कुछ लोगों की आपत्ति है। आज विभिन्न संगठनों द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है वो कलेक्टर महोदय को हम लोग प्रेषित कर दिया जाएगा। सर, उसमें कार्रवाई की मांग की गई है, तो कार्रवाई कैसी होगी? अभी देखते हैं कलेक्टर साहब क्या निर्देशित करते हैं, उसमें फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। स्थान परिवर्तन को लेकर भी कहा गया है हम लोगों द्वारा। हाँ, तो क्या हो सकता है स्थान परिवर्तन? विचार करेंगे, आसपास भूमि देखेंगे, अगर भूमि अवेलेबल होगी तो हम स्थान परिवर्तन के बारे में विचार कर सकते हैं, अन्यथा तो संभव नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि ज्ञापन के बाद कलेक्टर के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। पांच सेमल से जयेश पटेल की रिपोर्ट।